ओके सो हे गाइस, वस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है वो आप वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अभी तक आप सभी ने यार अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और यार चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, ठीक है। और इसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में, यहाँ से आप सभी को गाइस ये पीएनजी ले लेना है, ठीक है, ये बग्गी का पीएनजी ले लेना है। एंड इसको आप सभी को क्या कैसे लगाना है, आप सभी कुछ इस टाइप से इसका एक साइज इस तरीके से बना देना है, एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। एंड गाइस कुछ स्टेप्स लगा देना है, एंड जो मतलब कि आपका जो स्कोप है जो उसके ऊपर ना है आपका ये पीएनजी, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। साइड में जो आपको पता ही होगा, अगर आप पबजी खेलते हो तो आप सभी को पता ही होगा गाइस, है ना। तो उसके बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। एंड इसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से चले जाना है ऐड फोटो में। एंड ऐसे ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड गाइस जो मॉडल का बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है, जिसको इरेज करना नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तीन वीडियो की लिंक दे रखी है, आप तीनों में से किसी वीडियो को वॉच कर लेना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस हमारा जो मॉडल यहाँ पे लग चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से हम एक शेडो का पीएनजी ले लेंगे, ठीक है। तो इस शेडो को पीएनजी को आप सभी को कैसे ऐड करना है गाइस, जैसे करके आपको नीचे की तरफ लगा देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको साइड में इरेजर के ऊपर वाले इस ऑप्शन को क्लिक करना है, यहाँ पर डाउन कर देना है, ठीक है। एंड डाउन कर देने के बाद आपसे कुछ इस टाइप से आपका शेडो तैयार हो जाएगी। तो आपसे फिर क्या करना है, आपसे यहाँ से सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपसे दोबारा से वापस से ऐड फोटो में जाना है, एंड यहाँ से आप सभी को एक पीएनजी और मिल जाएगा, तो आप सभी इसको ले लेना है। एंड ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, उसको बस सिंपली फुल स्क्रीन कर देना है। एंड इसके बाद इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी जो है आपको कम कर लेनी है, ठीक है। तो उसकी हम थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेते हैं। एंड यहाँ से देखिएगा इजीली कुछ इस टाइप से लग जाएगा। एंड यहाँ पे आप सभी को फिर कर देना है डन। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से चले जाना है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा मतलब कि फोटो में जो है आपके मॉडल में थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट देना है। तो उसके लिए हम यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, एंड रिजल्ट में जाएंगे, ऐसे इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश को लेंगे, साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे, एंड फोटो को जूम करेंगे, एंड हमें जहाँ जहाँ पर इसकी ज़रूरत है हम वहाँ पर पेंट कर देंगे। गाइस तो इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, आप सबको सिंपली ऊपर से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर डन कर देना है। एंड गाइस इस फोटो को यहाँ पे आप सबको सेव कर लेना है, एंड यहाँ से चले जाना है आपको लाइट रूम ऐप के अंदर, क्योंकि यार जो इसकी लोकेशन होगी वो लाइट रूम ऐप में ही होगी। तो उसके बाद क्या करना है, आप सबको जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, इसका कॉन्ट्रास्ट को जो आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है। एंड जो गाइस यहाँ से हाईलाइट है इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, एंड जो शेडो है इसको आपको थोड़ा माइनस कर देना है, एंड जो गाइस व्हाइट है इसको आपको थोड़ा प्लस कर देना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी थोड़ा माइनस की तरफ कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को जाना फिर कलर्स वाले ऑप्शन में, एंड इसके बाद गाइस आप सभी को उसका वाइब्रेशन बढ़ा देना है, एंड जो गाइस टेम्परेचर हल्का सा माइनस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जाना आपको कलर मिक्स में, एंड उसके बाद ऑरेंज कलर को सेलेक्ट कर लेना है, इसके सैचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देना है, एंड उसके बाद गाइस थोड़ा ल्यूमिनस भी बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जाना येलो कलर में, ठीक है। एंड इसका जो मतलब कि येलो टोन में देना, अगर चाहो आप ऑरेंज कलर भी कर सकते हो, पूरा माइनस कर देना, ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर सैचुरेशन भी प्लस कर देना, एंड चले जाना आपको यहाँ से डार्क ब्लू में, फिर इसका ह्यू थोड़ा माइनस कर देना है, एंड सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर सकते हो बट आपको थोड़ा सा माइनस कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको फिर जाना पर्पल कलर में, इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है, एंड उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। एंड उसके बाद चले जाना आपको कलर्स के नीचे वाले टूल में, एंड उसके बाद फोटो की जो क्लियरिटी आप सबको उसको इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो फोटो में विग्नेट है वो तो डालना ही है ना, फोटो में विग्नेट जरूर डालना। एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ग्रीन अमाउंट मिल जाएगा, आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड उसके चले जाना नीचे वाले टूल में, ठीक है। एंड इसके बाद आप सभी फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो गाइस नो डायरेक्शन आप सभी को उसको ही बढ़ा देना है, एंड गाइस जो कलर नो डायरेक्शन आप सभी को उसको भी इंक्रीज कर देना है। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो का जो रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।